तो दोस्तों जैसा कि मैथ का पेपर हो चुका है तो चलिए पेपर सॉल्यूशन में आते हैं। तो पहला का दोस्तों जो आंसर होगा वो विकल्प नंबर दो होगा 0.001 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर दो का दोस्तों जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर चार होगा -2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीन का जो आंसर होगा अभाज्य संख्या में 83 और 89 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार में अनुवर्ती पूछा गया तो मतलब 6 के बाद 7 आता है तो विकल्प नंबर चार होगा केवल 7। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों x का मान आपको बताना था तो इसका आंसर आएगा 56 अंश। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो छठा क्वेश्चन में हमें गुणनखंड करना था तो यहाँ ए बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका 1^4 - b^4। तो बस वही 2² का होल स्क्वायर ऐसे करके बना लेंगे, 2² - b² वाला फार्मूला हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन था एक आयताकार मैदान की 190 मीटर था तो ये आपका परिमाप था, परिमाप का फार्मूला लगाएंगे लंबाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई उसे कर लेंगे हो जाएगा। ठीक है, अभी पूरा सलूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर आठ का दोस्तों जो था 8x - 3x को ले जाएंगे बाएं पक्ष में तो घटा वटा कर लेंगे। नवा क्वेश्चन में पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा करके एक्स और वाई का मान बराबर करके कटपिट करेंगे हो जाएगा। ठीक है, दसवां क्वेश्चन में आपको क्या बताना था कि कितना लीटर पानी भरा। देखिए 1 लीटर = 1000 घन सेंटीमीटर वाला आपने पढ़ा होगा फार्मूला, उससे करना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन था समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया था। तो देखिए परिमाप बराबर होता है 3 × भुजा, यहाँ से भुजा निकालेंगे 4 सेंटीमीटर आएगा तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला √3/4 × भुजा² में, तो भुजा की जगह 4 × 4। ठीक है, फिर 12वां क्वेश्चन था एक 3 विभिन्न चौराह पर आवागमन सूचक था तो भाई इसका हमें क्या करना है, पहले सबका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों एलसीएम जो आएगा 60 से भाग कर देंगे क्योंकि वो सेकंड में आएगा, इसको मिनट में बदलेंगे और 8:20 में जोड़कर उसका आंसर लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में था 4 पहियों की परिधियाँ दोस्तों दी गई थी तो कम से कम था ना तो भाई एलसीएम निकाल लेंगे हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करेंगे इसका आंसर -2 आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना, तो देखिए 49, 59 और 109 में 1, 3 और 5 सीरियल से घटाएंगे, 49 में 1 घटेगा, 59 में 3, 109 में 5। ठीक है दोस्तों, जो आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका आंसर 8 आ जाएगा, वैसे मासा 8। 16 नंबर क्वेश्चन था कि भाई पुत्र से बड़ा छोटा वाला था तो इसको मानकर करना था कि भाई इनकी उम्र x है उनकी 4x, ऐसे करके हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बारंबारता सारणी था दोस्तों, बस एक तरफ पद लिखेंगे एक तरफ बारंबारता हो गया। 16 दोस्तों जैसे लिखेंगे पहले तो उसको लिख लीजिए कितनी बार रिपीट हुआ, 12 कितनी बार हुआ, बस हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसमें दोस्तों आपको बताना था त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजा। देखिए इसका फार्मूला जो होता है ना AB/PQ हो जाएगा, AC/PR, BC/QR, ऐसे करके दोस्तों सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आपका एक आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर और एक आएगा 1.4। तो दोस्तों चलिए ऑल द बेस्ट और पूरी वीडियो जल्द से जल्द मिलेगी। थैंक यू।